DJ. हाय टेकोसिन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाया हूँ। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने अमेजोन से मंगाया है ये पैकेज, यानी मैंने लॉकडाउन से पहले ही मंगा दिया था, तो अब अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पे अमेजोन का लोगो है इसके ऊपर, और इसके अंदर हमें मिलता है एक कोऑर्डिनेटर। जी हाँ, ऑनलाइन में हमें ज़्यादातर एक कोऑर्डिनेटर दिखता है। जब भी हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट खोलते हैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर सर्च करेंगे तो एक ब्लू कलर का कोऑर्डिनेटर दिखता है, तो वही कोऑर्डिनेटर मैंने आज मंगाया है और इसे अनबॉक्स करने वाला हूँ आज। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह हमें काम करता है और दिखता है। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अनबॉक्सिंग तो शुरू कर दिया है, और अंदर हमें पैकेज कुछ इस तरह मिलता है पैकिंग में। आप देखते हैं ये पैकेजिंग कुछ इस तरह है, डिफरेंट टाइप ऑफ बबल रैपिंग में। और चलिए इसे स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। स्किप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह है पैकिंग इसका, रेड कलर में, और यहाँ पे ली बोन लिखा है, और इट्स ओनली फॉर आई बॉल लिखा है यहाँ पे, और मोबाइल एक्सेसरीज लिखा है, और यन लोगो है, और पीछे कुछ चार्जेस का दिया गया है फोटोज़, और इसके अंदर है हमें कोऑर्डिनेटर। आप देखते हैं ब्लू कलर का है ये, सेम वही जो ऑनलाइन में हमें मिलता है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे। और चलिए इसे खोल लेते हैं, खोल कर देखते हैं और इसकी क्वालिटी किस तरह है। तो यहाँ पे मैं सीजर से इसे कट कर रहा हूँ, और कट करते ही अंदर हमें ये कोऑर्डिनेटर मिल जाता है। तो चलिए इसे निकाल लेता हूँ। तो ये निकल गया बाहर, और निकलते ही आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेटर कुछ इस तरह दिखता है। टू इन वन है, टू इन वन कोऑर्डिनेटर है, यानी आप OTG की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कोऑर्डिनेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी OTG कोऑर्डिनेटर समझिए इसे। तो यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है ली बोन, देख सकते हैं, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है, और ऊपर है 2.0 है, और इधर कार्ड एड्रेस है, और इधर साइड 1.0 USB है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस तरह है, और बिल्ड क्वालिटी ठीक है, प्लास्टिक का है बिल्ड क्वालिटी, सब प्लास्टिक है ये पूरा, और यहाँ पे भी कंपनी का नाम है, और ये 2.0 है, यानी OTG फ़ोन पे भी लगा सकते हैं और कंप्यूटर पे भी लगा सकते हैं, या लैपटॉप पे भी आप लगा सकते हैं इस कार्ड रीडर को। आप देखते हैं इसकी क्वालिटी, टोटल बिल्ड क्वालिटी तो प्लास्टिक ही है, ज़्यादा खास बिल्ड क्वालिटी नहीं है। और यहाँ पे हम कार्ड रीडर रख सकते हैं, यानी कार्ड मेमोरी कार्ड रख सकते हैं, बड़ा वाला या छोटा वाला जो भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं आप यहाँ पे, छोटा कार्ड रीडर भी रख सकते हैं, बड़ा कार्ड्स भी रख सकते हैं, तो आपके पास जो भी है कैमरा कार्ड मेमोरी कार्ड्स भी रख सकते हैं, और फ़ोन के मेमोरी कार्ड्स भी रख के डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं एक बार। रहे यहाँ पे मैंने एक मेमोरी कार्ड इस कार्ड रीडर में रखा है, यानी लगाया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह आप लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड इस कार्ड रीडर में, और डायरेक्टली आपके पास फ़ोन है तो OTG छोटा वाला है ना, उसे OTG बोलते हैं, तो उसे डायरेक्टली फ़ोन पर लगा दीजिए। अगर बड़ा है, अगर आपके पास बड़ा मेमोरी कार्ड है तो इस तरह बड़ा भी लगा सकते हैं मेमोरी कार्ड, ये कैमरास में ज़्यादातर होता है, तो कैमरास के लिए बड़ा मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, छोटा मेमोरी कार्ड तो मोबाइल फ़ोन्स में रहता है आपको पता है, अडाप्टर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे मैं मोबाइल में OTG के तरफ से लगा देता हूँ, यानी OTG कार्ड रीडर। तो यहाँ पे हमें रहता है जो चार्जर होता है उसी को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होता है ये, तो ये लगा दिया है और ये ऑन भी हो चुका है, देख सकते हैं ये काम भी कर रहा है और रीड भी कर रहा है मेमोरी कार्ड को ये OTG कार्ड रीडर। आप देखते हैं लाइट भी से लग रहा है ब्लू कलर में, और देखिए आप बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हमें मैसेज भी आ चुका है OTG USB कह के, तो इसे खोल के भी हम देखेंगे कि ये पूरी तरह वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे स्टोरेज पे चले जाता हूँ, और आप देखते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है माउंट USB स्टोरेज नाम से है, उसे क्लिक किया
तो ये ऑटोमेटिक माउंट यानी रीड हो जाएगा पूरी तरह। आप देखते हैं रीड हो के भी आ चुका है मेमोरी कार्ड, आप देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड ही यहाँ पे है। तो ये वर्क कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको चाहे तो आप भी ले सकते हैं मेमोरी कार्ड, तो अभी भी ये वर्क कर रहा है, मैं भी बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये अच्छा वर्क करता है ये कार्ड रीडर। अगर आपको चाहे तो कार्ड रीडर की ज़रूरत है तो आप इस कार्ड रीडर को ले सकते हैं, ऑनलाइन पे जो मिलता है कार्ड रीडर ये ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है बट परवाह नहीं, ले सकते हैं आप। तो प्राइस और वगैरह आपको थंबनेल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा बाय लिंक, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो नीचे चेक करिए और वीडियो का लाइक दे दीजिए, सो ज़रूर लाइक दे दीजिए और डिस्क्रिप्शन चेक करिए इस कार्ड रीडर खरीदने के लिए। तो चेक डिस्क्रिप्शन फॉर बाय लिंक। तो बस इतना ही है वीडियो, अगर आपको अच्छा यूज़फुल हुआ होगा ये वीडियो तो इस वीडियो का लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर चाहे तो शेयर भी कर दीजिए अगर आपको ये कार्ड रीडर पसंद आया है तो ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, तब तक के लिए बाय बाय।